हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। अभी स्टूडियो में हम इन संख्याओं का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। पिछली बार हमने डिवीजन मेथड से निकाला था, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर इस मेथड से भी बताइए। तो चलिए आज इस मेथड से कर लेते हैं। करना क्या है इस मेथड में, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। प्राइम नंबर कौन से हैं देखिए, ये आपको याद रहने चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, उसके बाद 23, 29 और 31, हमें यहाँ तक चाहिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊँगा जो आपके बहुत जगह काम आएंगे। दो से कौन सी संख्या विभाज्य रहती है जिनका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये नियम क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप किसी भी संख्या को देख कर ये पहचान कर सकें कि वो दो से विभाज्य है या नहीं है। ये आपके बहुत जगह काम आएगा। तो देखो, ये दो से विभाज्य नहीं है, तीन का चेक कर लिया। तीन का क्या नियम रहता है, डिजिट को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर तीन से विभाज्य हो, तो ये तीन से भी विभाज्य नहीं, क्योंकि 4 + 0 + 3 कितना रहा, 7। 7 तीन से विभाज्य नहीं, मतलब ये तीन से विभाज्य नहीं है। 5 का डिजिट इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, तो 5 से डिविजिबल रहता है। 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, लेकिन ये 13 से डिविजिबल है। कितने बार जा रहा है 13 का भाग, 3 बार और 1 बार। आपको ऐसे डायरेक्ट देने में दिक्कत है तो यहाँ साइड में लिखेंगे और 13 का भाग दे देंगे। 33, 39 माइनस किया, 1 आ गया, ऊपर से 3 को यहाँ लाए, भाग गया 1 बार, कितना आ गया 13, माइनस किया 0 आ गया। फिर 31 में 31 का भाग दिया, 1 आ गया। अब हम इसमें 434 में डिवाइड करते हैं, तो इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना, 2 बार, 1 बार और 7 बार। फिर इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है कितना, 3 बार और 1 बार। 31 में 31 का डिवाइड आपका 1 बार। 465 की बात कर लेते हैं, तो ये 2 से आप देख सकते हैं डिजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिजिबल है। तो 465 में हम 3 का डिवाइड कर देते हैं, भाग गया 1 बार, कितना आ गया 3, माइनस किया 1 आ गया। 5 3 कितना 15, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 5 को यहाँ ले आए, फिर 5 3 कितना होता है 15, माइनस किया 0 आ गया। ओके, तो 3 का भाग कितनी बार, 155 आ गया। फिर इसमें 3 का भाग देते हैं 465 में, सॉरी उल्टा बोल गया, 155 में 3 का भाग देते हैं 5 3 15, माइनस किया 0 आ गया, ऊपर से 5 को यहाँ लेके आ गया, मतलब ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो फिर क्या करें, आगे बढ़ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, 3 से नहीं है तो 5 के पास जाएंगे। तो यह 5 से विभाज्य कितनी बार, 3 बार और 1 बार। फिर 31 में 1 आ गया। ठीक है, 31 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसीलिए 31 को अभाज्य संख्या, खुद से ही विभाज्य रहती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 403 के गुणनखंड क्या आ गया, 13 गुणा 31। 434 के 2 गुणा 7 गुणा 31। 465 के 3 गुणा 5 गुणा 31। हमें क्या चाहिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या लेना है, हमें न्यूनतम घात का कॉमन फैक्टर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इनको इनका घात लिख देते हैं, ये 1 बार 31, 1 बार 1 बार 1 बार, 13 1 बार, 2 1 बार, 7 1 बार, ये 1 बार 1 बार, सबका एक 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 घात। ठीक है, कोई भी यदि कोई 2 बार आया होता तो उसका घात कितना हो जाता, 2 हो जाता है। फिर इसको हम आगे ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ एक एक बार है, तो चलिए अब देखिए, मेरे कहने का मतलब यह, जैसे 3 गुणा 3 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 की घात 2। जैसे 4 गुणा 4 गुणा ऐसे आया तो इसको क्या लिखेंगे, 4 की घात 3। ठीक है, जो जितनी बार है उसका उतना घात हो जाता है। ये 4 3 बार है तो 4 की घात 3 हो गया, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 हो गया। ठीक है, आप देखिए कॉमन फैक्टर क्या रहता है, ऐसा फैक्टर
जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी, तीनों में हो, तो कौन है? देखिए 31 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका न्यूनतम घात, छोटी छोटी घात कितना? एक। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 31 आ गया। तो इस प्रकार से हमने अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखा, जो कि बहुत बड़ा वीडियो बन गया।